सियालकोट के बाद रुक करते हैं सरगोधा का, जहां सरगोधा में डीपीओ जुल्फकार अहमद की अदालत पर था। जांच चक्की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमा में मुलविस चार मुलजिमान समेत राहजनी और चोरी के मुकदमे में मुलविस छह मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। बिग न्यूज के नुमाइंदे ताहिर मसूद राणा की इस रिपोर्ट में। जी अबू बकर, सरगोधा थाना झालचकिया पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब चार मुलजमान समेत राजनी और चोरी के मुकदमे में मुलवस छह मुलजमान गिरफ्तार। खतरनाक असला, लाखों रुपए की नकदी व मोटरसाइकिल बरामद। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफीसर जुल्फकार अहमद की हदायत पर DSP सदर शफकत नदीम अता की निगरानी में जराय पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना झालचकिया साहब खान ने सब इंस्पेक्टर मलक गुलाम शबीर और मोहम्मद इकबाल व दीगर मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम के हमरा रेड करके कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजमान इफाक अहमद उर्फ राजू को पिस्टल 30 बोर, आमिर शहजाद को रिपीटर 12 बोर, मोहम्मद वकास को 44 बोर और मुलजम काशिफ को 30 बोर पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मोजा सकेसर के रिहायशी नौजवान बिलाल को फायरिंग करके नाहक कत्ल कर दिया था। जबकि डकैती राजनी के मुकदमे में मतलूब मुलजम मुमताज को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नाजायज असला पंप एक्शन होंडा CD70 और 20,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली। मुलजम चक नंबर 92 शुमाली के रिहायशी इमाम बख्श से साइकिल, 20,000 की नकदी व दीगर कागजात छीन कर फरार हो गया था। इसी तरह मुलजम गुलाम हुसैन सकना न्यू मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3,00,000 रुपए की नकदी बरामद कर ली। मुलजम ने झालचकिया चौक के करीब साबिर नवाज खान के मोटरसाइकिल से उस वक्त बैग चोरी कर लिया जब वो मोटरसाइकिल खड़ी करके नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में गया। बैग में से 3,00,000 की नकदी समेत दीगर सामान था। मुकदमा में मुलवस मुलजमान चूँकि नामालूम थे, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी, जिनको SHO थाना झालचकिया साहब खान ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। ताहिर मसूद राणा, बिग न्यूज सरगोधा।